हेलो गाइज़, मेरा नाम अजीम और आप देख रहे हो चैनल टेक शोर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आप यहां पर वाईफाई खोलते हैं और यहां पर कनेक्ट करते हैं किसी भी वाईफाई को, तो जब भी यहां पर कनेक्ट हो जाता है गाइज़, तो आपको ऐसा दिखाई देता है इंटरनेट में नॉट भी अवेलेबल, और यहां पर आपको दो ऑप्शन आ जाते हैं कि वाईफाई कनेक्शन डिसकनेक्टेबल का। तो ये क्यों बताता है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे फिक्स करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट एंड तक देखिए। अगर गाइस आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं ऐसी कमाल की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गाइस, जब भी आप यहाँ पर कनेक्ट करते हैं वाईफाई को किसी भी, तो यहाँ पर आपको ऐसा दिखाई देता है इंटरनेट मे नॉट बी अवेलेबल इफ़ यू स्टे कनेक्टेड टू दिस वाईफाई नेटवर्क, नाउ योर फोन विल आल्सो स्टे कनेक्टेड व्हेनेवर यू यूज दिस नेटवर्क इन द फ्यूचर। ऐसा दिखाई देता है आपको और यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे आपको, कीप वाईफाई कनेक्शंस और डिसकनेक्ट। तो यहाँ पर आपको, अगर आप यहाँ पर डिसकनेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो वाईफाई कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाएगा इस, और यहाँ पर जो अगर आप कीप वाईफाई कनेक्शन करेंगे तो इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पर नहीं भी रहेगा, तो ये कनेक्टेड रहेगा लेकिन वाईफाई से। तो यहाँ पर गाइज ये आपको जो ऑप्शन बताता है, तो जो भी वाईफाई से आपने कनेक्ट किया है उसका जो इंटरनेट है वो बंद रहेगा, तभी आपको ऐसा दिखाई देता है और यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाता है गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई के बाजू में, अगर उस बंदे का यहाँ पर जिसको आपने कनेक्ट किया है अगर उसका इंटरनेट ऑन है, तो यहाँ पर गाइस आपको कुछ देर वेट करना होगा, इसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये ऑप्शन जैसा ऑटोमेटिकली चला जाएगा गाइस। तो यहाँ पर ये मेरे साथ बहुत मरतबा होता है, कभी इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहने के बाद ऐसा आपको ऐसा दिखाई देता है गाइस, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है और यहाँ पर कीप वाईफाई कनेक्शन कर देना है गाइस, ऑटोमेटिकली जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो चला जाएगा और आप यहाँ पर वाईफाई यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आया होगा, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।